हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है ऋतिक, आप देख रहे हो कुछ नया सिकोटेक। तो जैसे कि इंटरफेस में देख ही चुके होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो आज मैं बात करूँगा ओप्पो के A37 के बारे में, कि आप लोग किस टाइप से ओप्पो के A37 में आप लोग साउंड कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे साउंड आप लोग सेट कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट्स आई थी जिसमें लिखा था कि ओप्पो A37 में किस टाइप से साउंड बढ़ा सकते हैं। और तो मैं कमेंट देख के हैरान रह गया कि यार ये कमेंट्स आई थी कि साउंड कैसे बढ़ाए। तो मैंने बोला इतना इजी और आप लोगों को नहीं पता, बट मैं इस वीडियो में बता दूंगा आप लोग किस टाइप से साउंड बढ़ा सकते हैं, साउंड सेट कर सकते हैं। और मुझे बहुत सारी कमेंट्स आ रही है कि सर थोड़ा धीरे बोलिए, समझ नहीं आ रहा है। तो यार इसलिए मैं थोड़ा धीरे ही बोलूँगा, मेरी आदत सी बन गई वो ज़्यादा फास्ट बोलने की। तो मैं कुछ ज़्यादा ही फास्ट बोलता हूँ, इसलिए मैं आज इस वीडियो में थोड़ा स्लो ही बोलूँगा, तो आप लोगों को समझ भी आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो और उस बेल का आइकन दबाना ना भूले, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो मेरी वीडियो की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा ओप्पो के सेटिंग में। तो सेटिंग में तो सबसे पहले मैं अपने मॉडल का नाम बता देता हूँ फ़ोन का। तो आप लोग अबाउट फोन में देख सकते हैं कि जो मेरा फ़ोन है ओप्पो का A37 फ़ोन है। अब मैं कर देता हूँ बैक। हम फिर से आप लोगों को सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद आप लोग क्या करना पड़ेगा साउंड मिलाने के लिए, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है साउंड एंड वाइब्रेशन, तो आप लोग इस सिंपल तरीके से क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप लोग एयरफोन है एयरफोन लगा लीजिए अपने ओप्पो का फ़ोन का, क्योंकि एयरफोन से साउंड आप लोग सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आप लोग किस टाइप साउंड बढ़ा सकते हैं, साउंड बढ़ाने के लिए करना पड़ेगा आप लोग, जैसे मेरा साउंड अभी फुल है, तो आप लोग कम करने के लिए साउंड इस टाइप से कम कर सकते हैं साउंड, एंड बढ़ाने के लिए आप लोग इस टाइप से कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर साउंड मेरा बढ़ जाता है, एंड कम करने के लिए कम भी हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो आप लोग इस टाइप से कर सकते हैं अपने साउंड को मेंटेन, जिस टाइप से आप लोग करना है मेंटेन साउंड को, तो आप लोग इस टाइप से कर सकते हैं मेंटेन है। आप लोग को शायद पता भी होगा कि वॉल्यूम के बटन ये भी रहती है बाजू में, ऊपर में बाहर में भी रहती है। वॉल्यूम कम ज़्यादा करने की ऊपर वाली बटन से वॉल्यूम बढ़ता है, जैसे मैं ऊपर वाली बटन दबाता हूँ उससे वॉल्यूम बढ़ेगा, एंड कम करने के लिए नीचे वाली बटन दबा देता हूँ। तो आप लोगों को तो शायद पता ही होगा, एंड मेन रहता है हमारे कि साउंड आप लोग किस टाइप से सेट कर सकते हैं। तो सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी तो जो साउंड है उससे आप लोग इससे बढ़ा सकते हैं एंड कम कर सकते हैं, तो पता चल गया आप लोगों को। एंड आप लोगों को रिंगटोन सेट करने के लिए तो आपको पता ही होगा रिंगटोन किस टाइप से सेट कर सकते हैं। रिंगटोन में आप लोग जाके आप लोग कोई भी रिंगटोन यहाँ से सेट कर सकते हैं जो भी आप लोगों को पसंद है। एंड आप लोग मैसेज टोन भी सेट कर सकते हैं, कैलेंडर की भी आप लोग चेंज कर सकते हैं मैसेज। तो डायल पैड की भी बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे डायल पैड में इसमें क्या रहता है कि आप लोग डायल जो भी पैड आप लोग जैसे कीबोर्ड आप लोग दबाते हैं तो उसमें कैसे आवाज़ आती है, तो उस टाइप से आप लोग उसे ऑन कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर्स है। एंड वाइब्रेटर टच, तो जैसे आप लोग टच करेंगे, जैसे थर्ड वाला ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, जैसे टच करेंगे तो वाइब्रेट होगा, तो वो भी आप लोग ऑन कर सकते हैं सेटिंग के, एंड ऑफ भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर्स है। और मेन बात है हमारी कि आप लोग किस टाइप का साउंड सेट कर सकते हैं। तो सेट करने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, जो नीचे दिख रहा है मेरा जो मैं सो टच कर रहे हैं, तो इस पर अपन क्लिक करेंगे सेटिंग पे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले बता दिया मैंने आप लोग को कि आप लोग पहले एयरफोन लगा लीजिए अपने फ़ोन में। तो आप लोग जैसे एयरफोन लगाएंगे तो आप लोग को जो सेटिंग है ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी, और जैसे कि आप लोग बिना एयरफोन के साउंड सेट नहीं होता, आपको बताना चाहूँगा कि बिना एयरफोन के साउंड सेट नहीं होता। तो आप लोग को सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ऊपर वाला जो बटन है वो आप लोग का ऑफ रहेगा, डायरेक्ट एडिट साउंड तो ऑफ रहेगा, तो आप लोग इसे डायरेक्टली ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने के बाद आप लोग किसी भी टाइप से साउंड मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग जैसे यहाँ पे लिखा है मेरा कस्टमाइज, ठीक है कस्टमाइज है। अभी जैसे कि मैं आप लोग को साउंड यहाँ पे बढ़ा भी सकता हूँ, जैसे बेस कम करने का रहेगा तो आप लोग बेस कम कर सकते हैं, ट्रेबल बढ़ा सकते हैं, बेस कम कर सकते हैं, इससे आप लोग साउंड मेंटेन कर सकते हैं। आप लोग कोई भी अदर में फीचर्स में कर सकते हैं, जैसे पॉप में कर सकते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें आप लोग पॉप में भी आप लोग कर सकते हैं। कस्टमाइज में आप लोग मिला सकते हैं साउंड किस टाइप का आपको पसंद है, उस टाइप से आप लोग कस्टमाइज में मिला सकते हैं। आप लोग पॉप में देख सकते हैं अलग टाइप का साउंड आएगा, एंड रेड एंड कॉल में आप लोग रेड एंड रोल में आप लोग अलग साउंड आएगा। इस टाइप से आप लोग जिस टाइप से आप लोग साउंड मिलाना चाहेंगे उस टाइप से आप लोग मिला सकते हैं, वो भी सिर्फ थोड़ी देर में। डांस में भी रखना है आप लोगों को, डांस में भी रख सकते हैं आप लोग। इस टाइप से आप लोग ओप्पो A37 में साउंड मिला सकते हैं। ओप्पो A37 नहीं, आप लोग हर एक मॉडल में ओप्पो के ऐसा ही साउंड मिला सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो मैं तो इसे रख देता हूँ कस्टमाइज में। कस्टमाइज में क्या होगा कि आप लोग किसी भी टाइप से अपने हिसाब से साउंड मेंटेन करके रख सकते हैं, जो कि मैंने अभी मेंटेन करके रख दिया है। तो आप लोग इस टाइप से सिर्फ कर दीजिए, सेव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप लोग बैक करेंगे तो सेव ऑटोमेटिकली हो जाता है, और साउंड का तो पता ही चल गया। इससे आप लोग बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और रिंगटोन चेंज करने के लिए तो आप उस पर क्लिक कर दिए, रिंगटोन पे आप लोग इस टाइप से रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। आप लोग अदर फाइल से भी कर सकते हैं, जैसे फ्रॉम फाइल ऊपर दिख रहा है आप लोगों को इंटरफेस, तो आप लोग उस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप लोग जैसे म्यूज़िक आप लोग डाउनलोड करें, आप लोग जो भी अपनी मनपसंद का है उस टाइप से आप लोग सेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो अभी थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, जैसे कि आप लोग अपने सॉन्ग भी सेट कर सकते हैं यहाँ पर रिंगटोन के तौर पर।
तो अभी तो मैं तो अपना ही फ्यूचर का ही रख देता हूँ इसमें रिंगटोन। तो आप लोग इस टाइप से साउंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरी वीडियो पसंद आई होगी। एंड मैंने बोला था थोड़ा स्लो बोलूँगा, तो थोड़ा स्लो बोला या नहीं बोला मुझे तो नहीं पता, बट आप लोगों को वीडियो पसंद जरूर आएगी। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। यार वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जो भी डाउट्स हो कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना के आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय माता दी।